हेलो एवरीवन, ओरेकल टेक इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। दिस इज अनिल के शर्मा और आज के इस वीडियो में कुछ और यूनिक्स कमांड्स को देखेंगे। डिफ कमांड, तो आइए समझते हैं कि यूनिक्स में डिफ कमांड का क्या यूज है। तो डिफ का मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस कमांड। तो डिफ कमांड क्या करता है? इट टेल्स विच लाइन्स इन वन फाइल हैव टू बी चेंज्ड टू मेक द टू फाइल्स आइडेंटिकल। तो यूनिक्स में डिफ कमांड के साथ हम दो फाइल्स के नाम देते हैं। तो डिफ कमांड क्या करता है? दोनों फाइल्स के कंटेंट्स को कंबाइन करके एक फाइल में कर देता है और उसके बाद दोनों फाइल में से किसी एक फाइल के कंटेंट्स को, लाइंस को जो है इंडिकेट करता है कि ये लाइन जो है दूसरे फाइल के लाइन से डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप दूसरे फाइल के लाइंस को यहाँ पर लिख देते हैं तो दोनों फाइल्स की लाइनें सेम हो जाएगी, तो दोनों फाइल्स जो है आपकी एक फाइल बन जाएगी। तो ये था बेसिकली डिफ कमांड का यूज। अब देखते हैं कि डिफ कमांड को जो है इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमको डिफ टाइप करना है, DIFF। उसके बाद दो फाइल्स के नाम देने हैं, फाइल वन फाइल टू। मैंने यहाँ पे दो फाइल्स के नाम दिए हैं और उसके बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करनी है। एंटर टाइप नहीं करना है, एंटर प्रेस करनी है। तो ये आउटपुट में दिखाएगा कि क्या करेगा, इट कंबाइंस द कंटेंट्स ऑफ बोथ फाइल वन एंड फाइल टू। ये फाइल वन और फाइल टू के कंटेंट्स को एक ही फाइल में कंबाइन कर देगा और कंबाइन करने के बाद दोनों फाइल में से किसी भी एक फाइल्स के कंटेंट्स को इंडिकेट करेगा, एक फाइल के लाइंस को इंडिकेट करेगा कि ये लाइन जो है दूसरे वाली फाइल की जो लाइन से कंटेंट से उससे डिफरेंट है, अलग है। इसको आप चेंज कर देते हो और इसके जगह पर आप वही लाइन लिखते हो जो दूसरे फाइल्स में लिखी हुई है, तो आपकी दोनों फाइल एक जैसी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो ये था डिफ कमांड का यूज। तो डिफ कमांड को जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो थ्योरेटिकली थोड़ा सा इसे समझने में दिक्कत आती है। अब समझते हैं कॉम कमांड। तो यूनिक्स में हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है कॉम कमांड। कॉम का मतलब यहाँ पे कॉमन कमांड। तो कॉम कमांड भी डिफ कमांड की ही तरह है। तो यूनिक्स में कॉम कमांड के साथ भी हम दो फाइल्स के नाम देते हैं और उन दोनों फाइल्स को एज एन इनपुट कॉम कमांड लेता है, उसको रीड करता है और उसके बाद दोनों फाइल्स को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद दोनों फाइल्स में जो जो लाइंस आपस में मिलती है पहले तो उन लाइंस को ये शो करेगा, उसको कॉमन लाइन बोलते हैं। तो उन कॉमन लाइन को शो करेगा और उसके बाद दोनों फाइल्स में जो जो लाइंस नहीं मिलती है उन सारे लाइंस को जो है डिस्प्ले करेगा, यानी कि पहले वाले फाइल्स के, पहली वाली जो फाइल है उसकी जो लाइंस है जो दूसरी फाइल के लाइन से नहीं मिली उसको शो करेगा, फिर दूसरी वाली जो फाइल है उसकी लाइंस को जो पहले वाली फाइल से नहीं मिली उसको शो करेगा। तो कॉमन कमांड का ये यूज है। तो कॉमन कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? तो सिंपली यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, COMM लिखेंगे, उसके बाद दो फाइल्स का नाम देंगे, फाइल वन फाइल टू, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद आउटपुट में क्या देगा? ये फर्स्ट कॉमन लाइन को शो करेगा, दोनों फाइल्स के लाइंस को आपस में कंपेयर करके देखेगा दोनों फाइल में कौन कौन सी लाइंस मिलती है, तो उस लाइंस को ये शो करेगा और उसके बाद जो जो लाइंस नहीं मिली है दोनों फाइल्स में उन सारे लाइंस को भी ये शो करेगा, जिसको अनकॉमन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है CMP कमांड।
तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स में सीएमपी कमांड का क्या यूज है। तो यूनिक्स में जब हम सीएमपी कमांड को यूज करते हैं तो उसके साथ भी दो फाइल्स के नाम देते हैं, तो सीएमपी कमांड उन दोनों फाइल्स को कंपेयर करता है और कंपेयर करके रिजल्ट देता है। तो इट कंपेयर्स टू फाइल्स ऑफ एनी टाइप। तो सीएमपी कमांड किसी भी दो फाइल्स को कंपेयर करता है, किसी भी दो टाइप्स के फाइल को कंपेयर करता है एंड राइट्स द रिजल्ट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट, और रिजल्ट को एज एन आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। अब इसमें दो कंडीशन होती है, इफ द टू फाइल्स आर सेम, अगर दोनों फाइल्स सेम है, दोनों फाइल्स के कंटेंट्स सेम है, देन तब सी एम पी इज साइलेंट मीन्स गिव्स नो रिजल्ट, तब सी एम पी कमांड कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा। बट इफ दे डिफर, लेकिन अगर वो दोनों फाइल अलग अलग है, दोनों के कंटेंट्स अलग अलग है, देन तब सी एम पी कमांड क्या करेगा, दोनों फाइल में से किसी भी फाइल्स के उन लाइन नंबर को शो करेगा जिस लाइन नंबर पे दूसरी फाइल के कंटेंट्स या लाइन जो है अलग अलग है, डिफरेंट है। तो बेसिकली जो है सी एम पी कमांड का ये यूज है। अब देखते हैं कि सी एम पी कमांड को फाइनली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो सिंपली यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके आपको टाइप करना है सी एम पी, दो फाइल्स के नाम देने हैं, तो मैंने फाइल वन और फाइल टू दिया है, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो लाइन शो करेगा जिस लाइन पे दोनों फाइल के लाइंस जो है डिफरेंट है, अलग अलग है। तो सी एम पी कमांड को भी जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको प्रैक्टिकली जो है यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे करके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट कमांड जो है वो टार कमांड है। तो आइए देखते हैं कि टार कमांड का क्या यूज है। तो इट इज यूज्ड फॉर टेप अर्काइविंग, मेकिंग डुप्लीकेट कॉपी, किसी भी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम टार कमांड को यूज करते हैं। तो फॉर स्टोरिंग ऑफ एंटायर फाइल सिस्टम ऑन टू मैग्नेटिक टेप, किसी भी मैग्नेटिक टेप या डिस्क पे आप एंटायर फाइल सिस्टम को स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए टार कमांड को यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो यूज टू कंबाइन मोर फाइल्स, फाइल और डायरेक्टरी इनटू ए सिंगल फाइल। तो दो या दो से अधिक फाइल्स या फिर डायरेक्टरी को किसी सिंगल फाइल में कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम टार कमांड को यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे टार कमांड को यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके आपको टार लिखना है, और टार लिखने के बाद आपको हाइफन सी वी एफ टाइप करना है, और ये टाइप करने के बाद आपको एक फाइल का नाम देना है जिसमें आप जो है किसी भी फाइल के कंटेंट्स को कॉपी करके रखना चाह रहे हो। तो मैंने दिया फाइल डॉट टार, और उसके बाद फाइल वन फाइल टू, इन दोनों के कंटेंट्स जो है वो फाइल नाम के फाइल में सेव हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर अब एक एक करके समझते हैं कि इन सारे कमांड्स का क्या यूज़ हो रहा है। तो सिंपली टार जो है ये क्या है, ये कमांड का नाम है। हाइफेन सी वी एफ क्या कर रहा है, फॉर क्रिएटिंग अर्काइव फाइल। तो यहाँ पर हमने हाइफेन सी वी एफ लिखा है ताकि फाइल डॉट टार जो है ये अर्काइव फाइल, ये मैग्नेटिक टेप, ये एडिशनल फाइल जो है हमारी
हमारा क्रिएट हो जाए। उसके बाद जो है फाइल डॉट टार क्या है, ये फाइल का नाम है और इसका एक्सटेंशन भी इसके साथ है। डॉट टी ए आर क्या है, ये इसका एक्सटेंशन है, मतलब अर्काइव फाइल बना रहे हैं इसलिए डॉट टार लिखा है यहाँ पे। उसके बाद फाइल वन एंड फाइल टू आर बीइंग अर्काइव, तो फाइल वन और फाइल टू के कंटेंट्स जो है वो फाइल नाम के फाइल में जा कर के सेव हो रही है, कंटेंट सेव हो रहा है और जो है फाइल डॉट टार, टार उसका एक्सटेंशन है, तो फाइल डॉट टार नाम का पूरा एक फाइल, एक अर्काइव फाइल बन जाएगा जिसमें फाइल वन और फाइल टू के कंटेंट्स उसमें स्टोर हो जाएंगे। तो ये यूज था। उसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं कि सी बी एफ का पूरा जो है यूज क्या है। तो सी का मतलब क्रिएटिंग अर्काइव फाइल, वी का मतलब डिस्प्लेइंग आउटपुट और एफ का मतलब नेमिंग अर्काइव फाइल। तो इस तरीके से हम टार कमांड को यूज करके किसी भी फाइल सिस्टम के कंटेंट्स को जो है हम जो है एक एडिशनल फाइल बना सकते हैं, उसकी एक मैग्नेटिक डिस्क बना सकते हैं, एक अर्काइव फाइल बना करके परमानेंटली कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो है जो हमने फाइल क्रिएट की है, जो भी हमने अर्काइव फाइल क्रिएट की है, उस अर्काइव फाइल के कंटेंट्स को देखने के लिए हमें सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टार लिखना है और उसके बाद हाइफन टी वी एफ लिख करके और अर्काइव फाइल का नाम देखना है जिसका कंटेंट्स हमें देखना है। तो फाइल डॉट टार मैंने अर्काइव फाइल का नाम दिया है, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, अर्काइव फाइल में जो भी कंटेंट्स सेव हुई है वो सारे कंटेंट्स को ये दिखा देगा। तो यही था जो है टार कमांड का यूज़। तो मेरा जो है ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, बाकी की कमांड्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।